वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। वेल, देखिए ये जो बात है ना, ये किसी डॉक्टर के लिए तो बिल्कुल आसान है, उन्हें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये बात थोड़ी सी अटपटी हो जाती है, थोड़ी सी अजीब हो जाती है कि एक तरफ तो पीरियड्स आ गए और दूसरी तरफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि यूजली प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पर पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि उनको पीरियड्स आए लेकिन उनको प्रेगनेंसी है दो दो तीन तीन मंथ की। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तब होती है जब पेशेंट आता है चार मंथ पाँच मंथ की प्रेगनेंसी को लेकर, और ये प्रेगनेंसी पेशेंट रखना नहीं चाहता है। और ऐसी कंडीशन में ना तो उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो सकती है, और ज़्यादातर ये जो कपल्स हैं, ये जो लोग हैं, ये अनमैरिड कपल होते हैं, और फिर इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे पास काफ़ी सारी केस हिस्ट्री है और लोगों की परेशानियां भी हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप उनकी परेशानियों को सुनकर समझकर अपनी इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक कर सको, और जो गलतियां उन्होंने की हैं आप उनको करने से बच सको। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको पीरियड्स आ गए हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। पीरियड्स आने के बाद प्रेगनेंसी 100% नहीं होती है, लेकिन आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि जो आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग हुई है वो एक्चुअल में आपको पीरियड वाली ब्लीडिंग है या कुछ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बारी मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनको हिस्ट्री होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो ब्लीडिंग होती है जब किसी फीमेल का अंडा जब फर्टिलाइज होता है उसके मेल पार्टनर के स्पर्म के साथ, तो ये अंडा यूट्रस में जाता है, फर्टिलाइज एग यूट्रस में जाएगा, वहाँ पर जब ये इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांटेशन के दौरान इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और वही सारे साइनो सिम्टम्स होते हैं जो कि यूजली पीरियड्स के टाइम होते हैं, मतलब हल्की क्रैम्पिंग होती है, कई बारी ब्रेस्ट पेन होता है, लोअर एब्डोमन पेन, बैक पेन होता है। तो फीमेल्स को लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो पीरियड्स की ब्लीडिंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हाँ ठीक है पीरियड्स आ गए, लेकिन जब उनको नेक्स्ट टाइम पीरियड्स नहीं आते और जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको फिर दो मंथ की प्रेगनेंसी पता लगती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लोग पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेते हैं। नंबर टू, मान लीजिए कि पीरियड्स नहीं आते, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया, और फिर यहाँ वहाँ से वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, घरेलू नुस्खे अपना लिए या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेते हैं जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनको ब्लीडिंग हो जाती है हार्मोनल इश्यूज़ के कारण, ठीक है। अब आप कहेंगे कि चलो सर, लेकिन पीरियड्स तो आ गए ना, उसकी ब्लीडिंग तो हो गई, लेकिन यहीं पर तो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होते हैं उसमें प्रेगनेंसी थोड़ा लेट पता लगती है, ठीक है। अब आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए और हार्मोनल जो डिस्टर्ब हुआ, आपका जो बैलेंस था, नेचुरल बैलेंस था, वो डिस्टर्ब हुआ, उससे आपको थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हो जाती है, और ये ब्लीडिंग एक या दो दिन रहती है और फीमेल्स को लगता है हाँ भाई पीरियड्स आ गए, और वो फिर निश्चिंत हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होता है, पीरियड्स आते नहीं हैं, फिर वो ऐसे ही घरेलू नुस्खे अपनाते हैं और थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग होती है, और फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते, ना ही अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं लगती। और फिर धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स और ज़्यादा होते हैं, जब उनको और ज़्यादा परेशानी होती है, फिर फाइनली जब उनको अल्ट्रासाउंड करवाने पर या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर अपनी प्रेगनेंसी का पता लगता है, तब बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ना तो वो प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं, और प्रॉब्लम वाली बात तब होती है जब जो ये लोग होते हैं ये अनमैरिड होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आपको समझना चाहिए कि अगर आपको पीरियड्स मिस हुए हैं तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पर अपनी कंप्लीट हिस्ट्री दें, या आप घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। अब कई लोग क्या करते हैं कि यूरिन टेस्ट वो सिंपली टेस्ट कार्ड से नहीं करेंगे,
घरेलू नुस्खे जो साल्ट टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, उस पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसको देख लेना। लेकिन ऐसे बेमतलब के टेस्ट, साल्ट टेस्ट, टूथपेस्ट टेस्ट, शुगर टेस्ट करके प्रेगनेंसी का पता नहीं लग सकता। आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी, और जो आपको आगे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आएगी वो अलग होगी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। अगली जो कंडीशन होती है उसमें पेशेंट को प्रेगनेंसी लग जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और वो क्या करते हैं, बाजार से बिना डॉक्टर की एडवाइस से वो अबॉर्शन किट ले लेते हैं, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की दवाइयां ले लेते हैं। होता क्या है कि अपनी मर्जी से या फिर अनक्वालिफाइड पर्सन से वो पता कर लेते हैं कि हाँ आपने कैसे खाई थी, या कई तो लोग ऐसे हैं कि अगर उनके फ्रेंड सर्कल में किसी ने अबॉर्शन किट ली है तो वो सेम मेथड से ले लेते हैं। अब जो ब्लीडिंग है वो उनको फर्स्ट डे पूरी हैवी ब्लीडिंग होती है और उसके बाद ब्लीडिंग होती नहीं है। फिर लोगों को लगता है कि हाँ अबॉर्शन था वो क्लियर हो गया, इतनी ज़्यादा क्लॉट पास हुए हैं, हैवी ब्लीडिंग हुई है तो जो भी प्रेगनेंसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो 7 से 10 दिन का होता है, ठीक है। फिर जब उनको प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं हुई, 2-2, 3-3 महीने के बाद फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो फिर उनको पता लगता है कि बच्चा तो ज़िंदा है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ऐसी कंडीशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट करती है, ना ही प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि अगर एक बार अबॉर्शन किट ले ली तो प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, बच्चे में काफ़ी सारे डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। और जब प्रेगनेंसी 4-4, 5-5 मंथ की हो जाती है तो प्रेगनेंसी को ख़त्म करना भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि आपको एक डॉक्टर की सलाह ऐसी कंडीशन में ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगली कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी का पता लगता है तो लोग घर पर ही रहकर गर्म चीज़ें खाते हैं, खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसी केसेस आते हैं जिसमें लोग घरेलू नुस्खे अपनाकर प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का ट्राई करते हैं, और ट्राई करने पर बाद में जब वो दवाइयों से प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का ट्राई करते हैं तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ 49 दिन के अंदर अच्छे तरीके से काम करती हैं, वो भी तब जब आप खुद पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अगर आप घर पर गर्म चीज़ें खाओगे, यहाँ वहाँ से आप जड़ी बूटियाँ या फिर लोगों से आप पूछोगे कि गर्भ कैसे गिराते हैं, बच्चा कैसे ख़त्म करते हैं, कोई देसी तरीका, उससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये आपको कॉम्प्लिकेट ही करेगा। आपको जो लोग कहते हैं कि घरेलू नुस्खे के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो दवाइयों से आप प्रेगनेंसी को ख़त्म करते हो उसके कंपैरिजन में जो आप घरेलू नुस्खे अपनाकर अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का ट्राई करते हो ना, वो ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करता है, और हो सकता है कि आपको फ्यूचर में इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब आपको आगे कंसीव ही ना हो। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपको कोई डाउट रहता है प्रेगनेंसी को लेकर, तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाने में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम होती है इतनी, लेकिन आप खुद पर एक्सपेरिमेंट करके या फिर यहाँ वहाँ से ट्राई करके अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर लेते हो, तो किसी भी डॉक्टर के लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है कि अगर इन सारी कंडीशन से आपकी जो कंडीशन वो परे है, ठीक है, तो आपको कम चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी रहे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग हुई है, तो मैं आपको कंफर्म कहता हूं कि पीरियड्स की ब्लीडिंग होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। लेकिन स्टिल अगर आपको किसी बात को लेकर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में हमारी टीम या मैं खुद आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से सिक्योर है, प्राइवेट है, और आपकी प्राइवेसी का हम लोग ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।